नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विनीत गौतम है। मैं पेट कैंसर लैप्रोस्कोपिक एवं लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूं एवं जीबीएल हॉस्पिटल में कार्यरत हूं। वीडियो सीरीज की इस कड़ी में मैं आपको ईसोफेगस कैंसर के बारे में बताने वाला हूं, जो कि एक आहार नली का कैंसर होता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि कैंसर बहुत ही गंभीर बीमारी होती है। एक बार अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो उसकी लाइफ नॉर्मल तो कभी भी नहीं रहती है। जो हमारा आहार नली का कैंसर है, ये बहुत एग्रेसिव या बहुत खतरनाक कैंसर में आता है। यूजुअली ये 50 साल के बाद की उम्र में पाया जाता है, बहुत कम उससे कम उम्र में होता है। मुख्यतः बड़ी उम्र की बीमारी होती है ये। इसका मुख्यतः कारण सिगरेट पीना एवं शराब पीना होता है। इसके अलावा ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने से, ज़्यादा मसाला लेने से भी ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा जो एसिड इंजेक्शन कर लेते हैं उनमें भी इस बीमारी की रिस्क काफ़ी बढ़ जाती है। कई बार बिना किसी कारण के भी दोस्तों ये कैंसर हो सकता है। किसी भी प्रकार का कैंसर कई बार बिना कारण के भी हो सकते हैं, इस बीमारी में भी सेम होता है। जब किसी भी पर्सन को ये बीमारी होती है तो उसका पहला लक्षण होता है उसको खाना खाने में दिक्कत महसूस होने लग जाती है, और जो भी खाता है प्रॉपर अंदर नहीं जा पाता है, सॉलिड फूड के उसको खाने में दिक्कत होना शुरू हो जाती है, जिसको मेडिकल टर्म में डिस्फेजिया बोलते हैं। उसके अलावा उसको खाना खाने के बाद छाती में दर्द ही महसूस होने लग जाता है, और कई बार वो खाना बाहर निकल आता है, खाने के साथ कई बार उल्टी भी आने लग जाती है। अगर हम समय से इलाज नहीं कराते हैं तो एक समय के बाद मरीज खाना बिल्कुल भी नहीं खा पाता, इवन उसको थूक को भी अंदर लेने में तकलीफ होना शुरू हो जाती है। इसको जांच करने का तरीका, सबसे पहले हम इंडोस्कोपी ही करते हैं। इंडोस्कोपी में अंदर यूजुअली हमें गांठ दिख जाती है, उससे हम एक टुकड़ा निकालते हैं बायोप्सी के लिए और उसमें जांच कराते हैं। इसी वक्त के कैंसर दो प्रकार के होते हैं, एक एडिनोकार्सिनोमा होता है और एक स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है। इसके ऊपर डिपेंड करता है मरीज का इलाज। जब हम इलाज करने जाते हैं तो वो स्क्वैमस सेल अगर कार्सिनोमा आता है तो उसमें स्टेज सीटी स्कैन कराया जाता है जांच के लिए, कितना फैला है उससे हमें पता पड़ता है। जब हम सीटी स्कैन कराते हैं उसके बाद उसका अगर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है तो ऑपरेशन के पहले हमें कीमोथेरेपी देना होता है। हम 3 साइकिल कीमोथेरेपी देते हैं, उसके बाद ऑपरेशन करते हैं और उसके बाद बची हुई कीमोथेरेपी लगाते हैं। और अगर बायोप्सी में एडिनोकार्सिनोमा आता है तो इसमें हमें डायरेक्ट सर्जरी करनी होती है। इसकी सर्जरी जो होती है उसको हम ईसोफेजेक्टोमी बोलते हैं, जिसमें हमारी आहार नली को पूर्णतः निकाल दिया जाता है और जो हमारा स्टोमक होता है खाने की थैली उसको हम आहार नली बनाते हैं और गर्दन में लाकर जोड़ा जाता है। जब हम ये ऑपरेशन करते हैं तो एक बड़ा ऑपरेशन होता है जिसमें 5 से 6 घंटे लगते हैं, और ऑपरेशन के बाद मरीज को 10 से 12 दिन अस्पताल में रुकना होता है। ऑपरेशन के बाद जो बायोप्सी आती है फाइनल कीमोथेरेपी उस पर डिपेंड करती है। अगर हम इसको बीमारी का समय से इलाज करा लेते हैं, समय से ऑपरेशन करा लेते हैं तो दोस्तों इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। मरीज ऑपरेशन का 4 से 5 साल तक आराम से निकल जाता है, और अगर हम इलाज समय से नहीं कराते तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है। यूजुअली मरीज 6 से 9 महीने ही जिंदा रह पाता है। तो अगर किसी को ये बीमारी है तो उसको समय से इलाज बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप इस बीमारी को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, और जिसको भी इस प्रकार के लक्षण हैं या भविष्य में इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं, कृपया तुरंत ही अपने निकटतम डॉक्टर से संपर्क करें इसके उपचार के लिए। धन्यवाद।